अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन से। आज मैं बना रही हूँ चिकन का पुलाव। वैसे चिकन का पुलाव दो टाइप के होते हैं, एक तो व्हाइट होता है, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां मैंने मेरे चैनल पर बनाया है। अच्छा, और दूसरे टाइप का वो होता है जो लाल होता है। सब दोनों भाई बहन ही होते हैं, थोड़ा इसमें मसाले ज्यादा डाले जाते हैं, उसमें कम डाले जाते हैं। तो इसके लोग है ना चिकन तहरीरी भी बोलते हैं, बट मैं तो चिकन पुलाव बोलती हूँ, रेड वाला। आलू डालते हैं हम, आपने डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, बट मैं आज नहीं डाल रही हूँ। तो सबसे पहले ये 1 किलो तक की चिकन जरूर थी, लेकिन उसमें से निकली सिर्फ 650 ग्राम है। तो आप चाहें तो 850 ग्राम तक के चिकन को ये सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। चिकन की चर्बी निकाल लीजिए और दो तीन पानी से धोने के बाद, नितारने के बाद, अब मैं है ना छुरी की मदद से इसे इस तरीके से पोक कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसे है ना, पहले तो चिकन को थोड़ा सा मसाला लगा के रखती हूँ, सो दैट थोड़ा सा उसमें फ्लेवर आए। तो अब ये मैं पहले ये कर लेती हूँ। चलिए ये हो चुका है और अब मैं मसाला लगा लेती हूँ इसको, सो दैट थोड़ी देर, जब तक हम प्याज टमाटर सब काट रहे हैं तो मसाला अंदर तक जाए। तो यहाँ डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, देखिएगा नमक बहुत ज्यादा ना हो जाए। यहां मैंने 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस लिया है वो भी डाल दीजिए, और यहां मैं 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और ये है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीजों को डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, या आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। बेटर है गर्मी का टाइम है, आप फ्रिज में ही रख दीजिए इसे। चलिए अब मैं ये मिक्स कर लेती हूँ और इसे फ्रिज में ढक कर रख देती हूँ। अच्छा, मैंने ये जो चिकन है उसको मसाला लगा के रख दिया। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज ही है, देख सकते हैं आप, प्याज ले रही हूँ और इसे बारीक काट लेती हूँ स्लाइस के हिसाब से। बट आपकी बहुत ज्यादा बड़ी हो ना तो 2 लीजिएगा प्याज और उसे इसी तरीके से स्लाइस करके काट लीजिए। अच्छा, मैं है ना ये जो चिकन पुलाव, जो रेड वाला, मैं तो चिकन पुलाव ही कहती हूँ, ताहिरी कुछ लोग कहते हैं चिकन ताहिरी, उसको मैं सर्व करूंगी जो कचुम्बर के साथ, जिसमें हम ये डालते हैं ना दही वाला कचुम्बर, काकड़ी के साथ, वो वाले के साथ सर्व करूंगी, खीरे के साथ। और अभी सुबह में ही ये आए हैं मैंगोज, आम आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ आम का रस भी बना लूँ, आम का जूस कहते हैं, तो उसके साथ ठंडा ठंडा मजा आएगा खाने में। मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताती हूँ आम रस की, और कचुम्बर की भी बता दूंगी लगे हाथ। चलिए प्याज हो चुकी है। यहाँ पर टमाटर ना मीडियम साइज के मेरे पास थे नहीं, जिसे आप देख सकते हैं, तो 3 मीडियम लीजिए, और बहुत ज्यादा बड़े हो तो 2 ले लीजिएगा। मेरे एकदम लमसम जितने इतने हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से समझिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनके छील निकाल रही हूँ। छील निकाल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर आते हैं, मुंह में आते हैं तो मजा नहीं आती है। चलिए इसे मैं टमाटरों को काट लेती हूँ, छील निकाल ली है और क्विकली ये टमाटर कट जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे प्याज भी कट चुकी है और टमाटर भी कट चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए पुलाव, रेड वाला चिकन का। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4-5 ये एकदम फीकी जो मोटी मिर्चियां मिलती है ना, मैंने वो ली है, उसमें स्लिट मार ली है, और ये 2 सादी नॉर्मल जो तीखी वाली मिर्ची आती है ये वो है, ये 2 तेज पत्ता है, ये 6-7 काली मिरी है, 3-4 लौंग है, 1 बड़ी डंडी दालचीनी की है, 3-4 हरी इलायची है, ये 2 बड़ी इलायची है, और ये एक से डेढ़ टुकड़ा इसका है बादियान का, और 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा है। आप चाहें तो इसके बजाय शाह जीरा ले सकते हैं। चलिए अब एक बड़ी सी पतीली के अंदर तेल डालिए, तेल ज्यादा ही डालना है, जी हाँ, क्योंकि ये पुलाव है तो इसमें थोड़ा ज्यादा तेल पड़ेगा, बट तब भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो ये जो फीकी जो मोटी मिर्चियां आती है, ज्यादा तीखी नहीं होती, इसे मैं स्लिट मार के डाल दी हूँ और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। जब इस पे थोड़े से स्पॉट्स आने लगेंगे तो इसे निकाल कर साइड पर रख देते हैं। अच्छा, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, आपने नहीं डालना ये वाली मिर्चियां, तो कोई बात नहीं।
अब गरम मसाला जो रखा है साइड पर वो डाल दीजिए और उसे हल्का तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो प्याज जो स्लाइस करी हुई रखी है वो डालकर उसे फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। डार्क मत कीजिएगा। हाँ ये देखिए अच्छी लाइट गोल्डन ब्राउन हुई है, ज्यादा नहीं हुई आप देख सकते हैं। तो टमाटर डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए 1 टेबलस्पून भर कर, उसे भी मिक्स कर लीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही है। आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। और इसे ये जो अदरक लहसुन हमने अभी डाले उसे आधा एक मिनट तक भूनिए। जब आधा एक मिनट हो जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दें, या तब तक पकाएं जब तक टमाटर नम नहीं हो जाते। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है, टमाटर अच्छे नम हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं स्पैचुला की मदद से इसे मैश भी कर रही थी। अब डाल दीजिए 2 या 2.5 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, मैं 2 डाल रही हूँ, और 1 या 1.25 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा ये 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा पाउडर है और 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और वो जो चिकन आपने मैरिनेट करने रखी थी वो सारी डाल दीजिए। मसाले के साथ डालिए, जो भी लगी हुआ मसाला हुआ आपके बर्तन के अंदर वो सारा डाल दीजिए। कोई भी चीज़ वेस्ट मत कीजिए, सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही रखिए और इसे आप पकाइए। आपने तब तक पकाना है जब तक ये जो चिकन का कलर है ना वो हल्का चेंज नहीं हो जाता। चलिए ये कलर चेंज हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं चिकन का। तो यहाँ पर मैं ये जो गाढ़ी दही रखी है फेटी हुई 200 ग्राम डाल दीजिए और इसे भी मिक्स कीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही रखिए और इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएं दही के साथ, सो दैट जो दही का भी पानी थोड़ा होगा वो छूटेगा, चिकन का पानी होगा वो भी छूटेगा। मीडियम आंच पर पकाएं, बार बार चलाते रहें। चलिए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुकी है, मैं बार बार चला रही थी, नीचे बिल्कुल भी लगा नहीं है। अब स्लो कर दीजिए चूल्हे को और ढक कर इसे तकरीबन 12 से 13 मिनट पकने दें जब तक चिकन नहीं गल जाती। चिकन पक रही है तब तक मैं यहाँ कचुम्बर का कर लेती हूँ। ये है दही, तकरीबन 300 से 350 ग्राम है। इसमें मैं हरी मिर्ची काट के डाल लेती हूँ। आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं हरी मिर्ची, या फिर ना डालें वो आपके ऊपर है। डालेंगे तो थोड़ा सा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी कोथमीर काट कर डाल दीजिए इसके अंदर इस तरीके से। अब आप चाहें तो पूरी तरीके से प्याज डाल सकते हैं छुंदा करके एक, या फिर आप टमाटर भी साथ डाल सकते हैं, या फिर मैं तो सिर्फ ना काकड़ी खीरा जो है उसे डाल रही हूँ एक छोटे खीरे को। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं और आप चाहें तो तीनों भी डाल सकते हैं, प्याज टमाटर और ये खीरा काकड़ी। तो मैं इसे बारीक काट लेती हूँ। चलिए सारा मैंने काट लिया खीरा। अब डाल दीजिए नमक, हल्का सा डालिएगा, ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि चाट मसाला और पादड़ा नमक भी डालेंगे हम इसमें। अच्छा अब मैं 1/4 टीस्पून थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ, कम या ज्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और हाँ इसमें मैं ना 1/4 टीस्पून जितना, इसे काला नमक कहते हैं, कोई रॉक सॉल्ट भी कहते हैं और कोई इसे ये भी कहते हैं, मैं तो इसे पादड़ा नमक भी कहती हूँ, वो ये आप थोड़ा सा डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जितना, और ये सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद चख लीजिए, कुछ कम लगे तो डाल दीजिएगा। अब इसे ढककर मैं साइड पर रख देती हूँ। चलिए 12-13 मिनट हो चुके हैं, खोलकर चेक कर लीजिए चिकन गल चुकी है कि नहीं, मेरी दिख रही है ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं चूल्हा मीडियम आंच कर देती हूँ। हल्का आपको लग रहा होगा पानी है, खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दीजिए, और यहाँ मैं 3-4 हरी मिर्चियाँ स्लिट करके स्पाइसी वाली डाल रही हूँ, और ये मैं साइड पर रख रही हूँ जो मैंने फ्राई की थी। अब इसे भी मिक्स कर लीजिए। जब तक ये हल्का पानी सूख रहा है मैं आपको बता दूं, मैंने इस कप से चावलों को मापा है, बासमती है तो 3.5 कप होते हैं, आप भी माप लीजिएगा। ये तकरीबन 650 ग्राम है। चावल और जो चिकन है वो इक्वल मेजरमेंट्स के हैं। हल्का सा पानी टाइप था तो इसके लिए मैंने 2-3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर रखा था, वो भी सूख चुका है। तो यहाँ मैं अभी पानी डाल रही हूँ चावल के लिए। तो तकरीबन 3.25 कप चावल थे, 650 ग्राम थे, तो अब मैं इसका डबल पानी डाल रही हूँ वही कप से, तो समझिए ना मैंने डाला है 6.5 कप। अब आप इसमें डालकर नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और चूल्हा फास्ट आंच पर रख दीजिए एक उबाल आ जाने के लिए। मैं ढककर रख रही हूँ।
अब ये जो चावल है इसे मैंने दो तीन पानी से धो लिया है और अभी मैं इसे भिगा के रख रही हूँ। बिरयानी में हम पहले भिगा के रखते हैं, इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस जस्ट उबाल आने तक ही आपने भिगाना है। ये देखिए उबाल आ चुके हैं, तो अब मैं इसे नितार कर चावलों को डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। अब एक से दो बार ही बीच में चावलों को चलाइएगा, बहुत ही हल्के हाथ से चलाइएगा और एकदम पानी इसका ऑल द मोस्ट सूख जाए ना, तो खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। जो मिर्चियाँ आपने साइड पर रखी हैं अगर मेरी तरह फीकी जो मोटी फ्राई करके, तो ये उसके ऊपर डाल दीजिए। ढक कर इसे तकरीबन स्लो आँच पर 12-13 मिनट पकने रख दीजिए, कुछ ऊपर वजन रख दीजिएगा या फिर तब तक पकाएं जब तक ये जो चावल है पूरी तरीके से सूख नहीं जाते और हल्के हल्के लगना शुरू नहीं हो जाते। चलिए 12 से 14 मिनट हो चुकी है, चेक कर लीजिए पूरी तरीके से ड्राई आउट जैसे आप देख सकते हैं हो चुका है और बढ़िया सी बन गई है, कैसे खुले खुले चावल बने हैं माशाल्लाह से। मेरी जो चिकन ताहिरी है या चिकन पुलाव कहिए, लाल वाला बहुत बढ़िया बना है माशाल्लाह। चिकन ताहिरी पुलाव कहिए या चिकन पुलाव लाल वाला कहिए, वो बन चुका है। यहाँ मैं क्विकली मैंगो मिल्क शेक बना लेती हूँ। ये दो आम लिए हैं, अल्फांसो आम है, एम आई राइट अल्फांसो आम है ये। और ये जो मैंने इसे क्या किया था, आधा घंटा पहले ना यही बर्तन के अंदर थोड़ा पानी डाला और उसे भिगाने रख दिया था, क्योंकि क्या उससे जो उसकी तासीर है ना गर्म की कहते हैं वो निकल जाती है, तो आधे घंटे के बाद उसे निकाल कर मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में इनफैक्ट रख दिया था, क्योंकि मुझे अभी ही सर्व करना है। आपको अभी नहीं सर्व करना है तो आप गर्म भी रहे इसमें से जब आप निकाल लेते हो तब बना लीजिए और फिर फ्रिज में रख दीजिए अगर आपके पास समय हो एक दो घंटा, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने पहले उल्टा किया, इसे फ्रिज में रख दिया सो दैट ये ठंडे हो जाए। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, दोनों आम को छील लेती हूँ और उसके रफली पीसेस कर लेती हूँ, और रफली पीसेस करने के बाद उसमें से मैं है ना एक पीस बड़ा वाला लेकर उसके छोटे छोटे पीस करके साइड पर रख रही हूँ, सो दैट मुझे प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर से डालने के लिए आए तो मुंह में आएंगे तो मजा आएगा ना। ये वाले देखिए ये मैं काट कर साइड पर रख देती हूँ। अब ये मिक्सर जार के अंदर जो मोटा मोटा काट के रखा है हमने आम वो डाल दीजिए, 4 बड़े चाय के चम्मच शक्कर डाल दीजिए, 2 कप दूध डाल दीजिए, वैसे 2 कप दूध ये बॉईल करके ठंडा करा हुआ है, और इसे अब ढक्कन ढक कर इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अच्छा आप चाहें तो चुटकी भर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा मैं बर्फ डालना भूल गई थी तो इसके लिए फिर से खोल कर मैंने बर्फ डाला है और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। जब अच्छे से ब्लेंड हो जाए मैं चक्कर देख लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया बना है माशाल्लाह। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं ग्लासेस के अंदर डाल देती हूँ इस तरीके से, और ऊपर से थोड़े से कटे हुए आम के टुकड़े डाल दीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसी समय सर्व कर दें या फिर आप चाहें तो फ्रिज में रख कर फिर सर्व करें कुछ देर बाद। चलिए मैं सर्व करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी ये जो कितनी बेहतरीन बनी है, बढ़िया सी छुट्टे चावल भी कितने छुट्टे हैं आप देख सकते हैं। जब आप प्लेट में निकाल लें तो थोड़ी सी कोथमीर भी डाल दीजिएगा तो खूबसूरत भी लगना चाहिए ना हमारा पुलाव। तो कोथमीर डालने के बाद आप इसे कचुंबर के साथ सर्व कीजिए, रायता जिसे आप कहते हो। ये मैंने खीरे वाला बनाया है कचुंबर, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ यही वीडियो में शेयर की है। और मैंने स्टार्ट में कहा है कि मैं मैंगो जूस बना रही हूँ, लेकिन ये मैं मैंगो जूस नहीं बनाई हूँ, मैं मैंगो मिल्क शेक बनाई हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ। पहले मैंने सोचा था मैंगो जूस बनाने का, फिर मेरा दिमाग मैंने चेंज कर दिया, माइंड चेंज कर दिया और मैंने मैंगो मिल्क शेक बनाया। तो नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपके साथ मैंगो जूस की रेसिपी शेयर कर लूँगी। ये देखिए क्या बढ़िया सा लग रहा है ना मेरा चिकन पुलाव लाल वाला, या आपका ये चिकन ताहिरी, ये रहा हमारा ये रायता बढ़िया सा मज़ेदार सा, और ये है मेरा मैंगो मिल्क शेक, जूस नहीं है आप समझेंगे जूस है, ये मैंगो मिल्क शेक है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट भी कीजिए, मुझे आपके कमेंट पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।